है तेरे दिल को पता। मुझे यकीन नहीं आ रहा हूं कि अंकल मेरी वजह से रायना आंटी से उलझ पड़े। क्यों नहीं यकीन आ रहा? फारूक बहुत अच्छे हैं, नरम मिजाज, सबका ख्याल रखने वाले। मेरे शौहर की इतनी तारीफें क्यों ना करूं, हस्बैंड है मेरे, अच्छे। अच्छा बेबी की शॉपिंग के लिए कब चलना है? अरे अभी तो न्यूज आई है, अभी से शॉपिंग पे चल पड़े। इंतजार क्या करना है अम्मू? अच्छा देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरी मार्केट उठा के ले आऊँ। और अम्मू बच्चों की चीजें कितनी प्यारी होती है, कितना मजा आएगा शॉपिंग करने में, है ना? बहुत क्यूट होती है। अच्छा नाम क्या सोचा? लो तुम तो हथेली पे सरसों जमाने पे आ गई हो, नाम कैसे अभी से सोच ले? अम्मू नाम तो पहले सोच लेते हैं ना। तो वो तो फारूक सोचेंगे फिर। अंकल सोचेंगे, अगर बाबा होते तो बाबा रखते। हाँ पता है अनुषा, मुझे एक दो दिन से ना भाईचंद बहुत ज्यादा याद आ रहा। सोचती हूँ हम लोगों को खुश देख के कितना खुश होते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं से हमें देख के खुश हो ही रहे होंगे। हेलो, कैसे तबीयत? खाना खाया दवा ली? जी लंच भी कर लिया, दवा भी खा ली। जानते तो हैं आप अनुषा को, हर चीज मेरे मुंह में ठूस देती है। चलो अच्छा है ना, खिदमत कर रही है। खैर एनीवेज मैं शाम में आऊंगा, फिर आउटिंग पर चलेंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये तुम और तुम्हारी माँ ही थे ना जिन्होंने दूसरे की बेटी की बारात वापस लाके उसके बाप को मौत की नींद सुला दिया था। और हमारे सामने कितना शरीफ बन रहे थे, और हमने भी यकीन कर लिया आपकी बातों पे। वो तो अच्छा हुआ जो वक्त से पहले आप लोगों की असलियत सामने आ गई। वैसे उस बच्ची की बारात वापस लाके उस पर बड़ा एहसान किया आपने, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, जो आप जैसे कमजोरफों के खानदान में नहीं आई, आप सुकून से अपनी जिंदगी कहीं गुजार रही हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों की असलियत वक्त से पहले मेरे सामने आ गई। अब मुझे तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाए। हरीश मेरा यकीन करो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। सर साहब ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, निकाह से पहले भी और निकाह के बाद भी कोई बात डिस्कस नहीं की उन्होंने मुझसे। और तो और हजर साहब ने काजी के सामने बैठकर अपनी बेटी से साइन करवाए। काजी साहब मैं निकाहनामा पढ़ना चाहूंगी। बेटा जल्दी पढ़ लीजिए, देर हो रही है निकाह में।
जस्ट 2 मिनट बाबा, जिस फॉर्म पे मुझे साइन करना है वो बगैर पढ़े कैसे कर सकते? ऐसे ही साइन करो जैसे सब लड़कियां करती हैं। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा जो तुम कर रही हो। मुझे बस एक बात पे ऑब्जेक्शन, ये शिक नंबर 18 का कॉलम, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। काजी साहब, ये कौन सा कॉलम है? ये शिक तलाक के हवाले से है। तलाक? अनुषा, ये तुम क्या कह रही हो? अनुषा, इस शिक पर क्यों बात कर रही हो तुम? क्या हो गया हारिस, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है। अनुषा, खुदा के वास्ते तुम इस खुशी के मौके पे बार बार तलाक का लफ्ज क्यों ले रही हो? ये तो बच्चगुनी वाली बात हुई ना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अनुषा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, शिक को छोड़ो और चीज साइन करो। जब हारिस अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें हक मेहर दे रहा है तो फिर ये सब खिलाफ क्यों कर रही है? अंकल, वो हक मेहर दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरा हक है। और हारिस अपनी हैसियत और अपनी मर्जी के मुताबिक हक मेहर दे रहा है। तोबा तोबा, इस लड़की ने तो हद कर दी। तलाक तलाक की गर्दान कर रही है, अगर इसको तलाक ही चाहिए थी तो ये शादी क्यों कर रही है? अनुषा, अनुषा प्लीज, इसे रहने दो, छोड़ो इसे। वो रहने दो हारिस, तुमने सुना नहीं काजी साहब ने क्या कहा? जो लड़की निकाह से पहले तलाक की बात करे उसे मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और हाँ हारिस, अगर तुम्हें ये शादी करनी है तो शौक से करो, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने अपना रवैया तुम्हारे साथ बदल लिया। पर मुझे बहुत हैरत है कि अंकल का रवैया अचानक से कैसे चेंज हो गया मेरे बारे में। अच्छा, वैसे ही अचानक नहीं हुआ, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी लड़ाई हुई है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे। अच्छा, ओवर तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर हूँ अपनी मोहब्बत पर। और इसी मोहब्बत ने मुझे ये यकीन बख्शा कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें पा लूंगा। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूं? वही जो मैं सुनना चाहता हूं। मुझे क्या पता आप क्या सुनना चाहते? वो 3 लव्स जो मुझे जिंदगी बख्शते हैं। हमदान, उन 3 लव्जों से मुझे बहुत डर लगता है। जो जुबान से अदा होने के बाद अपनी बुकत खो बैठते, हालांकि मैंने वो लफ्ज कभी किसी के आगे अदा नहीं किए, लेकिन सुने जरूर, बार बार सुने। अनुषा, एक सवाल पूछूं तुमसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? इवन दो मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है, मैं हारिस के बारे में कुछ नहीं जानता,
और मैंने तो तुम्हें बाबा की शादी से बहुत पहले देख लिया। और तुम मुझे तभी पहली नजर में पसंद आई थी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बोल्डनेस मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद थी हमेशा से। आपने मुझे देखा था, लेकिन कब? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। बस ये मेरी बदकिस्मती समझो। लेकिन खैर, सवाल मेरा ये था कि जो कुछ भी तुम्हारे निकाह पे हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हारिस तुम्हारे लेवल का नहीं था, तुम्हें डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उससे। मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। मुझे बस बहुत अच्छा लगता था। उसकी ओवरवेलमिंग नेचर, मोहब्बत भरी बातें, मेरे लिए दुनिया छोड़ देने का अज़्म। मुझे ऐसा लगता था जैसे ऐसा चाहने वाला तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मैंने कभी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वही करता रहता था बार बार। हम 4 साल तक एक साथ पढ़े और शायद इस तरह की बातें उसी उम्र में अच्छी लगती। I'm sorry. इस वजह से तुम्हें इसका फील हो रहा है? नहीं। अच्छा किया आपने जो पूछ लिया। ये सारी बातें मेरे अंदर हमेशा तूफान मचाती रहती, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती। आपको पता है, अम्मो हमेशा डाउटफुल थी हारिस को लेकर। मुझे हमेशा समझाया करती थी। आज मैं सोचती हूं कि अगर मैं उनकी बात सुन लेती, मान लेती, तो बाबा मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाते। अनुषा, मुझे अफसोस है कि मेरी इन बातों की वजह से तुम्हारे जख्म फिर से ताजा हो गए, लेकिन प्लीज खुद को कसूरवार मत ठहराओ। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। And I'm sorry for that. मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की, इतने हाई फाई लोग ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तुम हमेशा ना लोगों को पहचानने में गलती करती हो। काश मैं पाकिस्तान में होती ना तो ये रिश्ता कभी ना होने देती।
भाई मैं तो ये समझ रही थी कि मिसेज अनीस के जानने वाले हैं, तो बहुत अच्छी फैमिली होगी, बस इसीलिए। तो फिर मिसेज अनीस को बताना था ना कि वो लोग कैसे हैं, उन लोगों ने क्या किया है। मैं कैसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि रिश्ता तो हम लोगों ने खुद से किया था ना, अब उनसे बात करने का क्या फायदा। मुझे तो हारिस की फिक्र खाई जा रही है, दोपहर का गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया, और मैं उसे फोन कर रही हूँ तो उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जाहिर है वो डिस्टर्ब है, इतनी बड़ी बात जो हो गई है, पहले बारात वापस आई, अब निकाह टूटने जा रहा है। ऐसा लड़कों के साथ आखिर कब होता है, उस बेचारे पर तो मुसीबत आ गई है ना। ठीक कह रही हैं आप, मैं बहुत परेशान हूँ, बस आप दुआ करें ना कि मेरा बच्चा खैर खैरियत से वापस आ जाए। हाँ हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके ये अपनी लैला को लेकर घूम रहे हैं और बेटा अपनी लैला के साथ मसरूफ है। वाह मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है फारूक। आप बात करें, मैं जरा अनुषा को देख लूं। क्या बात करें? मैंने यूसा को काफी समझाया है, वो शायद कल आएगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जरा उसे प्यार से हैंडल करो, तुम्हें पता तो है वो कितनी जिद्दी है। उसकी ये जिद बेजा है, और मैं अपने बच्चों की जिद की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। फारूक हम सब ने मिलकर उसको इतना पैम्पर किया है, तो अब भुगतना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। देख लूंगा। सुनो अनुषा को तुमने यहाँ रोक तो लिया है, लेकिन जरा अपने बेटे पर नजर रखो। क्या मतलब? अरे उन दोनों का तो रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा है, घंटों घंटों अकेले बैठे रहते। कितना फजूल टाइम है तुम्हारे पास, हर वक्त किसी ना किसी की सुनगुन में लगी रहती हो, कभी कोई पॉजिटिव काम भी कर लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होगा। अगर आप शेर हैं तो मैं सवा शेर हूं। साहब जी, वो बेगम साहिबा ने कहा था आप आ जाएं तो उनसे मिल लें। कहां हैं? वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आराम कर लिए तो आराम करने दो, सुबह मिल लूंगा। अच्छा मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं मैं खाना खा कर आया हूँ, थैंक यू। बेहतर। अरे बाबा आप सोए नहीं अभी तक? नहीं बस सोने जा रहा था, तुम कहाँ थे? मैं वकास के साथ था, पहले वो डिनर का प्लान बना, उसके बाद मूवी देखने चले गए, तो इसलिए लेट हो गया। इट्स ओके, तुम जाओ सो। आप भी। अब आंटी की तबीयत कैसी है सर? अल्लाह का शुक्र है बेहतर। ये तो अच्छा किया कि आप उन्हें आउटिंग पे ले गए, गली भी थोड़ा चेंज हो गया ना। हाँ यार, लेकिन मैं तो घर के माहौल का पता ही है। घर के माहौल को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, प्लीज आप इस चीज की टेंशन मत लें। और जहां तक रही बात रायना आंटी की, तो आपको पता है वो किसी की खुशी में उनकी खुशी नहीं होती। Yes, I know. और दूसरा का भी आपको पता है, उसके कान भरती हैं वो और उनकी बातों में आ जाती है। ना समझे लेकिन वक्त के साथ वो भी समझ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है तुम सो जाओ। रायना आंटी, आपकी बाजी मैंने आप पर ही पलट दी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।
खानदान ठीक कह रहा है। एक्चुअली रायना मुझे मेरे बच्चों से लड़वाना चाहती है। खानदान पर झूठा इल्जाम लगा दिया जबकि वो तो घर पर था ही नहीं। आउटिंग से वापस आके काफी फ्रेश लग रहे। आउटिंग नहीं, आपके साथ ने फ्रेश कर दिया। वो अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। ये आपका एप्पल जूस और अंकल ये आपका ऑरेंज जूस। जब से उठती हो सुबह से काम शुरू कर देती हो, थोड़ी देर आराम भी क्या करो? मैं देख आपके सारे काम करके ना मुझे एक न्यू एनर्जी मिलती है और खुशी भी मिलती है, तो प्लीज इस चीज से मना मत किया करो। अनुषा कितना ख्याल रखती है मैं माँ का, खबर सुनते ही भाग के चली आई। सेलिब्रेट किया, मुझे मुबारकबाद दी, क्योंकि मेरा रवैया से कभी भी अच्छा नहीं रहा। और एक मेरी बेटी है, फैक्ट्री जा रहा हूँ, मशीनरी का कुछ इशू आ रहा है, कल से ऑर्डर जाने हैं तो खुद जाके ठीक करवाऊंगा। नाश्ता तो कर लो। नहीं आंटी, मैं वहीं कर लूंगा, थैंक यू। अनुषा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जूस लेकर आऊं आपके लिए? इतना टाइम तो होगा ना। हाँ वैसे जूस पिया जा सकता है। दो मिनट मिला। हारिस को बोल दिया तुमने? जी मैंने बोल दिया, वो अभी आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। लेकिन तुम मुझे ठीक लग नहीं रहे बेटा। बुखार चेक किया था, बुखार तो नहीं है ना? शुक्र है खुदा का। लेकिन बेटा तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। हाँ वो रात को ठीक तरह सो नहीं सका ना इसीलिए। देखो हारिस, प्लीज तुम अपनी माँ से इस तरह से बदजन मत हो। जो कुछ भी हुआ मैं तो उससे ला इल्म थी बेटा। देखो बेटा जो कुछ भी होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है। अब पूरी दुनिया में एक ही लड़की तो नहीं रह गई थी, हजारों लड़कियां, एक से बढ़कर एक है तुम्हारे लिए। अम्मी प्लीज, तक आप शादी के नाम पे मेरे एहसास से खेलती रहेंगी? मुझे नहीं करनी है शादी और ये मेरा आखिरी फैसला। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तुम ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, आज दोनों माँ बेटा बाहर चल के नाश्ता करते। मुझे कहीं नहीं जाना। तो ठीक है मैं शहर से कहती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना दे। अम्मी आप प्लीज मुझे छोड़ देंगी अकेला? क्या मतलब है तुम्हें अकेला छोड़ दूं? माँ हूँ मैं, तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती। देखो बेटा ये जो कुछ भी है ना वो सब कुछ नादानिस्तगी में हुआ है। और बेटा ये जो तुम इस तरह का रिएक्ट कर रहे हो ना,
तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मुजरिम हूं। भूल जाओ बेटा, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे वक्त। इंसान हूं, रोबोट नहीं। कि आपने जो कहा वो मैं मानू, कि आपने बटन दबाया और वैसे सब कुछ कर दिया। प्लीज ना अम्मू, मैं दोबारा आ जाऊंगी। अभी सिर्फ दो तीन दिन ही तो हुए थे, एक हफ्ता तो रह के जाती कम से कम। अम्मू मैंने बताया था ना आपको, मेरी वो फ्रेंड नहीं है सना, आज एंगेजमेंट है उसकी। उसका मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है अम्मू, इतने प्यार से इनवाइट किया उसने मुझे। अच्छा ड्राइवर छुड़ाएगा? हाँ यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे कपड़े है, ना कोई सामान है, और हाँ उसके लिए जो गिफ्ट लेकर रखा था ना वो भी घर में रखा। मतलब तुमने जाने का फैसला कर लिया? आ जाऊंगी ना दोबारा, आई प्रॉमिस। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सहारा होता है अनुषा। जानती हूँ, इसे तो कह रही हूँ, एक दो दिन बाद फिर चक्कर लगा लूंगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। माँ कसम। आई प्रॉमिस, ना आ जाऊंगी। सामान रखवाया गाड़ी में? हाँ वो रख तो रहे थे। आ, देखते हैं। क्या हो गया नदीम, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए और तुम अभी से बोर हो गए? मैं बोर नहीं हुआ, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या होते हैं तुम्हारे जरूरी काम, शादी के दूसरे दिन भी तुम निकल गए थे। रिलैक्स जान, क्या हो गया? देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, जब तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें अलग कर दिया, तो फिर कौन से जरूरी काम है जो करने के लिए तुम रोज निकल जाते हो? यही तो मसला है कि डैड ने मुझे अलग कर दिया। दोस्तों के साथ बैठता हूँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना है। ओके रिलैक्स, मैं समझ गई। लेकिन आज तुम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आज हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। मेरा भी तो सोचो ना, मैं अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, बाबा के पास भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अरे उनसे मिलना चाहिए तुम। और देखो तुम अगर नहीं जाओगी ना, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के तुम्हारी स्टेप मॉम और भतीजी फायदा उठाएंगी वहाँ पे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा घर है, मेरे बाबा हैं वो, गैर कैसे उनसे फायदा उठाएंगे? क्योंकि जब अपने दूर हो जाते हैं ना, तो गैर फायदा उठाते हैं। ये खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पे ऐसा ना हो कि गैर फायदा उठा ले। जो तुम्हारी स्टेप मॉम है ना, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी तरफ से बदगुमान ना कर दे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, गुस्सा मत करो। अपने डैड से और अपने भाई से मना कर रखो, जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो जाती। एक दफा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए, तो जो दिल चाहे वो करना। देखो मुझे कोई लालच नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। ओके, समझ गई। जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगी, खुश। लेकिन एक बात याद रखो,
मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब बाबा मुझे कॉल करेंगे, मुझे मनाएंगे। उससे पहले नहीं जाऊंगी। और इन सब बातों को छोड़ो ना, अभी हम बाहर घूमने जा रहे हैं। पहले शॉपिंग करेंगे, फिर अच्छी सी जगह बैठ के डिनर करेंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं चेंज करके आ रही हूँ और हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। आप चाहता नहीं है कि दूसरा आ जाए। हेलो। हाँ नदीम, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। कहाँ आ रही हो? हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि युष्रा मैडम को बाहर जाके डिनर करना है, शॉपिंग करनी है और सिर्फ इतना नहीं मूवी भी देखनी है। कहाँ से उठाऊं मैं इसके खर्चे? अरे अभी दो दिन पहले ही तो शॉपिंग किया उसने, अभी फिर से? वो युष्रा है, वो रोज शॉपिंग कर सकती और उसको ऐसा बनाने वाली तुम हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये रोज रोज की शॉपिंग ना अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा तो कह दूं उसको जाके सब कुछ, जाऊं कहूं? शट अप नदी। अरे दिवालिया निकल गया है मेरा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो वो भी तो नहीं समझती और उसको कोई समझा भी नहीं सकता। तुमने मेरे सर एक जिद्दी लड़की डाल दी है। अरे मैंने सोचा था कि हल्की फुल्की आशिकी करूंगा, चक्कर चलाऊंगा, चला जाऊंगा। मुझे क्या पता था इतना लंबा फंस जाऊंगा इसके साथ में। घर बार छोड़ के यहाँ बैठा और मेरे हाथ भी कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, वो जो प्रॉपर्टी वाला मसला है ना, उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो ताकि हम इससे भी जान छुड़ाएं। कोशिश यही है मेरी कि बस किसी तरह से फारूक से और अपने भाई से बना के रखें इसकी। लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा, तुम्हें भी इससे बात करनी होगी। सना ने बेकार में ही मुझे फोटोशूट के लिए रोक लिया, इतनी देर हो गई। छुट्टी का दिन है और ट्रैफिक का रश, शॉर्टकट ले लेती हूँ वरना घर पहुंचने में और रात हो जाएगी।
वफा, तुझे पता है तेरे दिल।